यह आप आवाज सुन पा रहे हैं, ये तमाम सारे दर्शक जो सुन पा रहे हैं, ये दरअसल अश्कलोन का बाहरी इलाका है। हमास की ओर से लगातार रॉकेट छोड़े जा रहे हैं और आयरन डोम सिस्टम जो इसराइल का है वो उसे हवा में रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन 20 मिनट पहले दरअसल अश्कलोन जहां मैं हूं इस इलाके में लगभग 50 रॉकेट, में जहां खड़ा था खुला टेरेन था और अचानक ऐसे लग रहे थे जैसे सितारे टूट रहे हों, वो इतना डरावना मंजर था। अचानक लोग भागे, चारों तरफ सिर्फ धुआं, और हालांकि आयरन डोम ने कोशिश की लगभग ज्यादातर जो रॉकेट है उनको मार गिराया जाए, लेकिन दरअसल क्षमता भी होती है मशीन का और उसके बाद क्या हुआ, दरअसल एक रॉकेट यहां गिरा। और इस बीच ये आवाज सुनिए, ये फाइटर जेट की आवाज है, यानी हवा में या तो धमाकों की आवाज है या फिर फाइटर जेट के स्क्रैम्बल होने की आवाज है। और जैसे एक रॉकेट का हिस्सा यहां पर, हालांकि उसे गिराया जा रहा था, और उसके बाद एक बड़ा सा टुकड़ा यहां, पूरा रॉकेट दरअसल ये देखिए यहां गिरा और उसने सड़क पर इतना बड़ा छेद बना दिया। जब रॉकेट यहां पर गिरा तो उसके धमाके के चलते, उसके असर में ये पूरा जो मकान है ये उसकी चपेट में आ गया, सब कुछ जल गया, काले धुएं की पूरी चादर छा गई थी और साथ ही जितनी गाड़ियां थी यहां आसपास इन सबको भारी नुकसान पहुंचा है। यहां लगभग 3 से 4 मकान इसकी चपेट में आ गए, इसकी जद में आए। तुरंत फायर फाइटिंग टीम और सड़कों पर ऐसा लगा अफरा तफरी मच गई हो, लोग भागने लगे सुरक्षित इलाकों पर, क्योंकि इस मोहल्ले में अभी तक बम नहीं गिरा था और यहां पर गिरा। देखिए घरों को नुकसान पहुंचा, इन तमाम गाड़ियों को लगभग आप देख रहे हैं सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया, भारी नुकसान इस इलाके को पहुंचा। और जितने सारे लोग थे वो सबसे पहले सीढ़ियों पर या बंकरों में, देखिए ये स्थिति इसलिए डरावनी होती है जैसे आप अचानक बात करते हैं और जब अचानक आपको आवाज सुनाई देती है जोर के धमाकों की। हालांकि जैसे यहां सायरन बजा था और सायरन के 5 सेकंड के भीतर ही आसमान में सब कुछ चमक रहा था, हमला हो रहा था और सब लोग भाग रहे थे। अभी भी ज्यादातर जो लोग हैं देखिए कोशिश कर रहे हैं कि यहां से निकल जाए सुरक्षित